जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों आज कुछ नई ओटीटी अपडेट्स निकल के आई हैं जो आपको इस वीडियो में सुनने को मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, कहीं भी स्किप मत करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। और आज सुबह से जब से डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने सीतारमम की इन्फॉर्मेशन दी है तब से आप लोगों के ढेर सारे मैसेजेस मेरे इंस्टाग्राम पर आ रहे थे लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मैं ऑफिस में था और मैंने सबको ये बताया कि आज शाम को मैं वीडियो में आपको जो नई अपडेट्स आई हैं उसमें ये भी कवर करके बता दूंगा। तो आइए फिर इस वीडियो की शुरुआत जो करते हैं वो सीतारमम से ही करते हैं जिसकी अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सीतारमम मूवी की हिंदी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है डिस्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से। और मैंने आपको लास्ट वीक के वीडियो में बताया था कि डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में 18 नवंबर को रिलीज होने जा रही है और आज डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने अपना एक वीडियो भी जारी कर दिया यूट्यूब पर और उन्होंने इंस्टाग्राम रील भी निकाल दिया जहां पे उन्होंने एक छोटे से ट्रेलर के साथ अनाउंसमेंट कर दी है कि सीतारमम का हिंदी डब्ड रिलीज डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे 18 नवंबर को होने वाला है, यानी 17 नवंबर की रात जैसे ही 12 बजेंगे तभी से आपको सीतारमम मूवी दोस्तों देखने को मिल जाएगी डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर ऑफिशियल हिंदी लैंग्वेज में। तो यहां पर उन लोगों के लिए थोड़ा दुख व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने जल्दीबाजी में जो है इसका डब देख लिया, थिएटर का साउंड क्वालिटी देख लिया और फिर मुझे मैसेज भी किए कि हमने तो ओरिजिनल हिंदी देख लिया। भाई ओरिजिनल हिंदी अब आ रहा है, तुम देखा है कुछ भी? और तुमने कमेंट भी किया मुझे कि हम तो देख लिया हिंदी, आप हिंदी की अपडेट दे रहे हो, ये होती हिंदी की अपडेट यार। डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे आ रही है 18 नवंबर को। इसके साथ साथ पक्का कमर्शियल जो कि एक साउथ इंडियन मूवी है इसकी हिंदी डब अपडेट भी आ गई है दोस्तों। पक्का कमर्शियल जो है 2 महीने पहले रिलीज हुई थी सिनेमाज में और तब से इसकी हिंदी डब की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी लेकिन अब जी सिनेमा ने अनाउंसमेंट कर दिया कि पक्का कमर्शियल का हिंदी डब वर्जन वो लोग रिलीज करने जा रहे हैं वर्ल्ड टीवी प्रीमियर में और ये रिलीज होने जा रहा है जी सिनेमा यूके पे, यानी जी सिनेमा इंडिया में फिलहाल रिलीज नहीं हो रहा है लेकिन जी सिनेमा यूके में रिलीज हो रहा है। तो प्रिंट तो आप लोगों को उसके बाद इमीडिएटली मिल ही जाएगा। तो ये रिलीज होगी दोस्तों पक्का कमर्शियल मूवी हिंदी डब लैंग्वेज में 13 नवंबर को, यानी 13 नवंबर को रिलीज होगी और दोपहर को 11:30 बजे ये यूके में रिलीज होगी। तो हमारा कुछ शाम का टाइम होगा जब आपको इसका कोई ना कोई प्रिंट देखने को मिल जाएगा। तो पक्का कमर्शियल मूवी हिंदी में आ रही है अब इसी हफ्ते 13 नवंबर को। अब बात करते हैं एक बड़ी रिलीज विक्रम वेदा की क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे सवाल मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो दोस्तों विक्रम वेदा की ओटीटी रिलीज से रिलेटेड कुछ नए अपडेट निकल के आई है जहां पे दोस्तों इन्फॉर्मेशन ये निकल के आ रही है कि वूट सिलेक्ट पे रिलीज होने से पहले इस मूवी को रिलीज किया जाएगा जियो सिनेमा पे क्योंकि जियो सिनेमा एक ऐसा चैनल है जो रिलायंस एंटरटेनमेंट वाले की तरफ से और इनके क्रिएटर्स के साथ भी वो मौजूद था और जियो सिनेमा चैनल ने इसके राइट्स ले लिए थे विक्रम वेदा के। ये वूट सिलेक्ट पे भी रिलीज होगी लेकिन पहले अब इसका रिलीज जो है वो जियो सिनेमा पे होगा और इन्फॉर्मेशन जो इसके डेट की निकल के आई है वो है 25 नवंबर क्योंकि 25 नवंबर तक ये मूवी अपने ऑलमोस्ट 8 से 10 हफ्ते कंप्लीट कर चुकी होगी सिनेमा रन के। 30 सितंबर को ये सिनेमाज में रिलीज हुई थी और 25 नवंबर को दोस्तों इसका जो डेट है वो जियो सिनेमा का निकल के आया है लेकिन कंफर्म जैसे ही होएगा कि वूट सिलेक्ट का डेट क्या है और क्या कब ये वूट सिलेक्ट पर रिलीज होने वाली है वो मैं वीडियो में बता दूंगा लेकिन अभी आप 25 नवंबर को जियो सिनेमा पे इसे देखने के लिए दोस्तों तैयार रहिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मूवी जो है थैंक गॉड की। दोस्तों अभी एक अपडेट निकल के आई है जहां पर इसकी जो रिलीज अनाउंसमेंट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकल के आई है जहां Amazon Prime पे दोस्तों इस मूवी ने रिलीज होना है और इसका एग्जैक्टली 4 वीक्स का ही टाइम था बिफोर इट हिट्स द OTT प्लेटफॉर्म्स आफ्टर द सिनेमा रिलीज। और सिनेमा में दोस्तों राम सेतु और थैंक गॉड ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे रिलीज हुई थी लेकिन राम सेतु थोड़ा सा बिजनेस बेटर कर रही थी लेकिन थैंक गॉड की मने के मागे हिते हो गया था तो क्योंकि 4.5 की इसकी रेटिंग आई थी 10 में से। तो अब दोस्तों इसका जो रिलीज कंफर्म हो रहा है वो हो रहा है 23 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों 23 नवंबर इस मंथ Amazon Prime पे मोस्टली थैंक गॉड आपको देखने को मिलने वाली है। ये मीडिया हाउसेज ने कंफर्म किया, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो रिपोर्ट्स अपनी देते रहते हैं वहां। दोस्तों 23 नवंबर को Amazon Prime पर थैंक गॉड के मूवी के रिलीज होने के पूरे पूरे चांसेस बन चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कांतारा मूवी की क्योंकि कांतारा मूवी का आप लोगों में से काफी ज्यादा इंतजार हो रहा है और मेरे पास काफी मैसेज आते हैं कांतारा के हिंदी डब अपडेट के लिए, कांतारा के ओटीटी रिलीज डेट के लिए। दोस्तों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मूवी 18 नवंबर को Amazon Prime पर रेंट पर रिलीज हो जाएगी लेकिन अब एक बुरी खबर निकल के आ रही है। जो बुरी खबर है वो ये है कि इसके जो क्रिएटर्स हैं वो देख रहे हैं कि इसका सिनेमा का रन बहुत अच्छा चल रहा है और ये मूवी जो है 400 करोड़ के आसपास अब बिजनेस
करने जा रही है और रोज इसका बिजनेस बढ़ ही रहा है। तो ऐसे टाइम पे इन्होंने सोचा है कि ये इसका वीओडी वर्जन जो रिलीज करने जा रहे थे अमेजॉन प्राइम पर पेड वर्जन, उसे डिले करेंगे और इसे अब ये 18 नवंबर को ना रिलीज करके दोस्तों 2 वीक के बाद एंड ऑफ नवंबर में रिलीज करेंगे। यानी 18 नवंबर को जहां कांतारा मूवी का वीओडी पेड प्रिंट आ जाना था अमेजॉन प्राइम पे अगर मीडिया हाउसेस की माने, तो इसे डिले किया जा रहा है। और ये मीडिया हाउसेस कोई छोटा मोटा मीडिया हाउस नहीं है दोस्तों, इंडिया टीवी से भी आ रहा है, इंडिया टाइम्स से भी आ रहा है और इसके साथ साथ कोईमोई से भी इसका इन्फॉर्मेशन निकल गया है। तो दोस्तों एंड ऑफ द मंथ तक यानी कि 2 वीक का और डिले हो सकता है जब कांतारा मूवी का वीओडी रिलीज किया जाए अमेजॉन प्राइम पर। और हाँ, हिंदी में अभी इसकी उम्मीद करना ही मत, हिंदी में रिलीज फिलहाल नहीं होगी, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में ही रिलीज होगी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, और हिंदी में ही रिलीज नहीं होगी। हिंदी के जो राइट्स है किसी और को सेल करके पहले पैसा कमाया जाएगा, उसके बाद इसे रिलीज किया जाएगा। लेकिन अभी आपको 18 नवंबर को शायद देखने को नहीं मिलेगी, जो मैंने पहले आपको कंफर्म किया था। दोस्तों लॉस्ट बुलेट 2 मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने जा रही है कल, और ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। और आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि ये हिंदी में रिलीज होगी या नहीं, तो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि इसका हिंदी कंफर्म नहीं है, लेकिन अब इसका हिंदी कंफर्म हो चुका है क्योंकि नेटफ्लिक्स ने इसका हिंदी ट्रेलर रिलीज कर दिया है। तो यानी कि दोस्तों द लॉस्ट बुलेट 2 जो है मूवी, ये आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलेगी, इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच 3 लैंग्वेजेस में नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी। इसके बारे में आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे। एनीवेज दोस्तों, ये जो मेरे पास क्विक अपडेट थी ये मैंने आपको बता दी है। अभी जो मेरा ओटीटी का वीक का वीडियो है वो तो आपको मिल ही जाएगा, इसके साथ साथ वीकली रिलीज का वीडियो मिल जाएगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट जरूर कर देना, और इंस्टाग्राम तो है ही यार हम लोगों के मिलने के लिए। तो अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम TikTok।